पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरभारी अर्जुन काया पलटकै मूर्त हर गोबिंद सवारी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी पीरी दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की चरण छो प्रापत गुरद्वारा श्री दमदमा साहब पिंडी औलख इस पावन स्थान दे करदे हां आपां दर्शन। इस जगह दे उपर गुरु हरगोबिंद साहब जी ने अपने मुबारक चरण पा के इस जगह नू पवित्र किया है। आओ करदे इस पावन स्थान दे दर्शन दीदारे। गुरता गद्दी दे उपर विराजमान होण तो बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जिथे वख-वख थावां दे उपर जा के सिखी दा प्रचार किया उत्थे वख-वख थावां दे उपर अपने मुबारक चरण पा के कई जगह नूं जिहड़ा पवित्र किया ते उहनां दी पावन याद विच गुरद्वारा साहब उत्थे उत्थे शोभायमान है। जिवें भाई गुरदास साहब जी का पावन बचन है जिथे बाबा पैर धरे पूजा आसन थापण सोआ। जिथे गुरु साहबान ने अपने मुबारक चरण पाए वह स्थान पूजा का स्थान बन गया। गुरु हरगोबिंद साहब जी जदों कश्मीर दे विच सिख संगतां नूं तारन वास्ते जांदे है माता भाग भरी नूं जदों जाके गुरु हरगोबिंद साहब भाग लाउंदे है वापस आउंदे होए वख-वख थावां ते सिखी दा प्रचार करदिआं होइआं लाहौर तों जदों श्री अमृतसर साहब वाले पासे नूं जा रहे सी रस्ते दे विच सतगुरु इस स्थान दे उपर ठहरे ते ठहरन करके इस पावन स्थान दा नाम रख्या गया दमदमा साहिब। जदों गुरु हरगोबिंद साहब जी दास सिखां दे समेत इस पावन स्थान दे उपर बराजे होए सन ते इस पिंडी औलख दे कुछ सियाने बजुर्ग गुरु हरगोबिंद साहब नूं आण के बेनती करदे है वह बेनतियां उन्होंने लिखती रूप में लिया के गुरु हरगोबिंद साहब नूं दित्तियां ते नाल कहा कि सतगुरु जदों रावी दरिया चढ़दा है साडियां फसलां तबाह हो जांदियां है इस करके कृपा करो असी रावी तो किसी तरीके नाल बच सकीए ते सहज सुभाए गुरु हरगोबिंद साहब ने वह पेज वह वर्का अपनी जेब विच पाउंदिआं कहा कि ए रावी नूं अपनी जेब च पा लिया है अज तो बाद कदे भी चढ़ के तुहाडा कोई नुकसान नहीं करेगी। ये पावन अस्थान बिल्कुल भारत पाकिस्तान की सरहद के उपर स्थित है। अज भी सिख संगत इस पावन स्थान के दर्शन दिदारे कर दी हैं ते गुरु हरगोबिंद साहब जी की याद दवाउंदा होया यह गुरद्वारा दमदमा साहब पिंडी औलख जिला अमृतसर साहब दे विच स्थित है शोभायमान है। यह सी गुरु हरगोबिंद साहब जी की चरण छो प्रापत पावन स्थान गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब पिंडी औलख भारत पाकिस्तान की बिल्कुल सरहद के उपर स्थित ये आपां कीते ने दर्शन दिदारे। ऐसे ही पावन स्थान नूं लैके फिर आपां हाजिर होवांगे। तद तक लई इजाजत। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।